प्रयागराज में बीते 40 दिनों से काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। यमुना पार इलाके की पार्षद नीलम यादव ने सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और मीडिया कर्मियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके तिलक लगाकर और मेडिकल किट देकर सम्मानित किया। पार्षद नीलम यादव कई दिन से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रही हैं। पार्षद नीलम और सफाई कर्मी से बात की हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने। का प्रकोप पूरे विश्व के साथ साथ पूरे देश में भी देखा जा रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मरीजों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स का भी जो है वो सम्मान किया जा रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के यमुना पार इलाके में और आप यहां देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे यहां पर वो कोरोना वॉरियर्स हैं। जब से स्टार्ट हुआ ये कोरोना वायरस का कहर, ये तभी से ही ये जितने भी वॉरियर्स हैं ये लोग लगे हैं। ये सफाई कर्मचारी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये मीडिया के भी बंधु हैं, साथ ही साथ कुछ सुरक्षा के भी कर्मी हैं। तो ऐसे में लगातार इनका जो मनोबल जो है वो बड़ा बना रहे और उसी के लिए यहाँ पर नीलम यादव जी हैं जिन्होंने सम्मानित किया है। ये एक पार्षद हैं और आपको बता दें विगत कई दिनों से ये सम्मानित करते हुए आ रही हैं कोरोना वॉरियर्स को। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि आज भी आपने सम्मानित किया है, विगत कई दिनों से आप सम्मानित कर रही हैं, में क्या आपने सम्मानित किया और क्या क्या आपने किया? ये जब से हमारे यहाँ कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ है और लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से जो है हमने अपने यहाँ सम्मानित करना लोगों को शुरू कर दिया है। और जो हमारे योद्धा हैं जिनको प्रधानमंत्री जी द्वारा, योगी जी द्वारा किया गया है कि सफाई कर्मी हैं, हमारी मेडिकल स्टाफ है, पुलिस प्रशासन है, इनको सम्मानित करना है ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे। उसी को इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आए दिन रोज जो है अपने सफाई कर्मियों को, मीडिया को, हमने अपने पुलिस प्रशासन को और हमारे डॉक्टर्स को हमने सम्मानित कर रहे हैं। और ये जो हमारे योद्धा जो हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ हैं 27 लोग हैं, पूरी टीम है, ये लोग लगे हुए हैं और दिन प्रतिदिन सुबह 6 बजे से इनकी ड्यूटी है, 6 बजे से लेकर 1 बजे तक ये पूरे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं। जगह जगह सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, साफ सफाई है, ब्लीचिंग पाउडर का, मेलाथाइन क्लोरीन सबका मिक्सचर जो होता है इसका ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, सबका छिड़काव करते हैं, हैंड वाली मशीन से किया जा रहा है, जलकल की बड़ी वाली मशीन से करवाया गया और इस पर नगर निगम की जो आती है टाटा एस उसके द्वारा पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया है। अगर आम जनता की बात करें कितना सहयोग अब आम जनता को से आप लोगों को मिल रहा है क्योंकि गंदगी वो लोग भी काफी फैलाते हैं, तो ऐसे आम जनता का भी यहाँ पर हमारे क्षेत्र में बहुत सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन का वो लोग पूरा अनुपालन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जैसे ही हमारी टीम है हमने बताया कि लगी हुई है, जब ये लोग जाते हैं तो कूड़ा जो है वो लोग जब जाते हैं तो वो अपनी जो हमारी गाड़ी लगी हुई है उसी में वो लोग कूड़ा डालते हैं। क्षेत्र में जो है इस तरीके से पूरा सहयोग किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने इनको हम देख रहे हैं हाथों में ग्लव्स दिया है, मास्क दिया हुआ है, ये सब सभी को मिला हुआ है? जी हाँ, ये सभी को मिला हुआ है, मास्क दिया गया, ग्लव्स दिया गया, इनको सैनिटाइजिंग की भी दिया गया, इनको साबुन भी दिया गया हुआ है। जब ये लोग काम करके जाते हैं तो उसके बाद इनका सैनिटाइजेशन ये लोग करते हैं हैंड का, और इन लोगों को साबुन दिया गया, साबुन से हाथ धुलते हैं, उसके बाद ही ये लोग जो है काम करते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जिनको सम्मानित किया गया है, कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिनको सम्मानित किया गया है। ये बताइए कितना अच्छा आपको लग रहा है कि अब आपको सम्मान मिला है, क्या कहना चाहते हैं? अब अच्छा तो लग रहा है, काम करते हैं तो सम्मान ही मिला हुआ है। डर लगता है आपको काम करते हैं? नहीं, डर नहीं लगता है। तो बिल्कुल डर नहीं लगता है लेकिन सम्मान मिल करके सभी लोग काफी खुश हैं। और ऐसे में लाइव टुडे हमेशा आपसे ये अपील भी करता है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और संयम बना के रखें, क्योंकि अगर कोरोना वायरस का अगर एकमात्र इलाज है तो वो है संयम बरतना। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, लाइव टुडे, प्रयागराज।